बहुत बड़ा होते जा रहा है, इतनी खुशी होती है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पीछे, कितना संघर्ष होता है, कितना कठिन होता है ये करना, इतने लोगों को इकट्ठा करना, जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। हाँ, जैसे आपने बोला संघर्ष, संघर्ष तो हर फील्ड में करना होता है हमें, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारा मोटिव एस्ट्रोवर्ल्ड करने का यही है कि हम लोगों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये स्पिरिचुअल होलिस्टिक हीलिंग एंड वेलनेस से रिलेटेड जो फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी हो, होलिस्टिक साइंसेस हो, ये लोग इसका जो सही चेहरा है, सही चीज ये लोगों तक पहुँचाए। और ये छोटा सा प्रयास है और हमें बहुत खुशी है कि लोगों का हमें इतना सहयोग मिला इतने सालों से। आज हमें मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं एस्ट्रो वर्ल्ड सक्सेसफुली करते हुए, जहाँ हमारा मुंबई, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, शिमला, जयपुर, हमारा शो इंटरनेशनल दुबई में भी दो शोज हो चुके हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है लोगों का। 24th एडिशन के अगर बात करें तो इसमें खास यूएसपी अगर है तो वो क्या है? यूएसपी सबसे अच्छी बात ये है हमारे शो की के एक तो एस्ट्रोलॉजी को लेके जो मिथ है जो लोग के मन में आता है, एस्ट्रोलॉजर्स फंसाते हैं, ये करते हैं, तो ये सब हम इस चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं। और लोग जब आके जेन्युइनली आके मिलते हैं एक्सपर्ट से, कंसल्टेशन करते हैं, सेकेंड राउंड में फिर से उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि आपने जो गाइडेंस दिया उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ हॉलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से। हमारे जो फ्री वर्कशॉप्स हम रखते हैं एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक्स नीचे सब विजिटर्स के, ये माध्यम से जब लोगों तक पहुँचते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं फील्ड की इम्पोर्टेंस, तभी हमें सच्ची में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो हम चाहते थे वो हो रहा है, वो हो रहा है। और हमारे एक छोटे से प्रयास से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा पूरा एस्ट्रो वर्ल्ड इतने सालों की जो मेहनत हमने की है तो ये हमारी सफल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिसंबर का महीना ये है कि एक तो दिवाली के बाद में, यानी तो हमारे शोज अक्टूबर में रहते हैं दिवाली के पहले या दिवाली के बाद, तो इस मौसम भी अच्छा रहता है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं ये ऑल अक्रॉस इंडिया से आते हैं। आप देखेंगे अभी भी हमारे पास जो एग्जिबिटर्स आए हैं ये सिर्फ मुंबई के नहीं हैं, दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, इंदौर से हैं, गुजरात से हैं, काफ़ी जगह अलग अलग जगह से, हैदराबाद से भी लोग आए हैं। तो ये सब लोगों को कन्वीनियंट भी पड़ता है और हम फेस्टिव सीजन नॉर्मली टालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, हमारे विजिटर्स भी आ सकें, बिकॉज हमारे विजिटर्स 6-6 महीना वेट करते हैं, हमें कॉल्स आना शुरू होते हैं एस्ट्रो वर्ल्ड कब हो रहा है, तो वो भी फ्री रहे और हमारे एग्जिबिटर्स भी फ्री रहे, तो उसको देखते हुए हम एकदम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। प्लान्स हमारे, हमने अभी तक साउथ इंडिया एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हमारे साउथ इंडिया एक्सप्लोर करना है हमें, हमें चंडीगढ़ साइड एक्सप्लोर करना है, चंडीगढ़ पंजाब साइड एक्सप्लोर करना है, और बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये फील्ड में है। और डेफिनेटली अभी हमारे जैसे दुबई हो गया है, दो शोज हमारे ऑलरेडी इंटरनेशनल हो चुके हैं, आगे के जो प्लान है हमारे सिंगापुर और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर करने के हैं। नहीं, हमारे जो विजिटर्स हैं, आज 21वां एडिशन एस्ट्रो वर्ल्ड का हो रहा है और हमारे जो विजिटर्स हैं ये हमारी एक एस्ट्रो फैमिली बन गई है, तो बहुत हमें एक तो सबसे पहले मैं सबका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा मात्रा में एवरी ईयर आते हैं। मॉर्निंग हमारा शो 11 बजे का शो रहता है तो 10:30 बजे से हमारे लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो इट इज़ एन ओवरवेलमिंग लव एप्रिसिएशन जो वो हमें हर साल देते हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम उनके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आए, अवेयरनेस, नए नए लोग लेके आए, एक्सपर्ट्स लेके आए जो हम उनको कनेक्ट कर सके, जो खुद पर्सनली उस लेवल पे नहीं कर सके तो हम एस्ट्रो वर्ल्ड के माध्यम से उनको कनेक्ट कर सके। कोई टिप देना चाहेंगे जैसे टिप एज सच मैं यही बोलूंगी कि बस इसी तरीके से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सराइए, और मैं सिराज सागर जोनली आपके लिए हमेशा, हम लोग हाजिर हैं, हमारी टीम हाजिर है, और
हमें फीडबैक्स अगर ऐसा लगता है आपको तो जरूर दीजिए, हम रीचेबल हैं। ये 21वां एडिशन एस्ट्रो वर्ल्ड को दो दिन काफ़ी हज़ारों लोगों ने अटेंड किया, मैं सबका तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे विजिटर्स एज वेल एज एग्जिबिटर्स जो काफ़ी दूर से आते हैं, यहाँ काफ़ी एग्जिबिटर्स ऐसे हैं जो दिल्ली से आते हैं और फॉग की वजह से उनकी दो बार फ्लाइट्स कैंसिल हुई, फिर भी उन्होंने प्रीमियम अमाउंट्स दे के किसी तरीके से वो एस्ट्रो वर्ल्ड में पहुँचे हैं क्योंकि उनको सर्विस देना है हमारे लोगों को। तो मैं सबका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। फैक्ट क्या है, ऐसे तो समझ जाइए कि मेरे को 48 साल हो गया ज्योतिष का काम करके और ऑल ओवर वर्ल्ड में 40 कंट्रीज में हमारे लेक्चर्स और फॉलोअर्स हैं हमारे। और मैं इंडिया में जब रहता हूँ तो जब भी कभी अगर एस्ट्रो वर्ल्ड का जो है प्लेटफॉर्म मिलता है तो निश्चित जो है इसमें पार्टिसिपेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ और इससे नए नए लोगों से जुड़ने का और अवसर प्राप्त होता है। इसके संग संग कोशिश हमारी यही रहती है कि ज्योतिष शास्त्र का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके और सही गाइडेंस सही मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सके। ज्योतिष शास्त्र अपने में एक संपूर्ण शास्त्र है, इसमें दो राय नहीं है, बशर्ते यह है कि ज्योतिषी की व्यक्तिगत रूप से उसकी अपनी इस सब्जेक्ट पे पकड़ कैसी है यह बहुत मान्य है। तो इसमें दो राय नहीं है कि एस्ट्रो वर्ल्ड एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और 10 वर्ष की इनकी जो तपस्या है धीरे धीरे इनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोगों को यहाँ आ करके एक सफल मार्गदर्शन जो जीवन में मिलता है तो उससे उनके जीवन को एक बहुत अच्छा एक जो है सराहनीय कार्य करने का और जो है सफल होने का एक मार्ग प्रशस्त होता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एस्ट्रो वर्ल्ड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई फील वेरी गुड, आई एम अ कंसल्टेंट होम्योपैथ and I do explore more about alternative healing and I love meditation and explore more about the ancient healing Ayurveda and many sound healing and everything. I felt very fascinated. I visited all the Astro World stalls. It was very nice and I was here in Astro World about my Healy device, frequency vibrational new technology. So I'm very happy as so many people are coming like-minded here and people were really interested. We enjoyed our demos over here and we exchanged so many thoughts, so many good suggestions and advices from the all clients. I'm very happy and looking forward for more from Astro World. Thank you. Thank you, हम लोग गुजरात के खंबात करके एक गांव है वहाँ से आते हैं। खंबात के अंदर स्टोन का बहुत बड़ा बिजनेस है, स्टोन जो हैंडीक्राफ्ट में यूज होता है माला में होता है और 80% से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जो हम लोग स्टोन्स का जो मटेरियल बनाते हैं वो रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, टैरो रीडर, ज्योतिष, फेस रीडर, ये सब लोग इस स्टोन का यूज करता है और हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कई सालों से एस्ट्रो वर्ल्ड में आते हैं और एस्ट्रो वर्ल्ड में हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है और जो एस्ट्रो वर्ल्ड ऑर्गेनाइज़र है वो भी उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और सामान्य जितने भी लोग हैं सबको बहुत हेल्प करता है और हम सोचते हैं जब तक हम रहेंगे हम यहाँ आते रहेंगे और एस्ट्रो वर्ल्ड में हमेशा पार्ट लेते रहेंगे। सबसे अच्छा बिजनेस प्रमोशन भी हमको यहीं मिलता है। जय हिंद। एक्चुअली ये मेरी पहली बार थी, दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग पार्ट इन एन एग्जीबिशन। आई हैव बीन अ विजिटर अर्लियर, दिस टाइम आई हैव टेकन पार्ट, तो ये मैंने पहली बार भाग लिया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा ये दो दिन। लाइक अभी थोड़ी थकी हूँ बट लोगों के इतने रिस्पॉन्स अच्छे थे, क्लाइंट्स के, और उनका फीडबैक इतना अच्छा था अबाउट माई प्रोडक्ट्स, तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे।
I'm feeling very satisfied. Actually, my name is Dr. Ranjana Mehta, और मेरी दो passions और professions हैं. एक है healing modalities. तो मैंने पिछले 9-10 साल से बहुत सारी alternative energy healing modalities पे सीखा है, काम किया है, therapy दे रही हूँ. तो मैं ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी करती हूँ, जेस्टॉल्ट साइकोथेरेपी करती हूँ, एक्सेस बार्स करती हूँ, चक्रा क्रिस्टल अफर्मेशन थेरेपी करती हूँ. और मेरा पैशन क्रिस्टल्स में भी है, तो अभी मेरा क्रिस्टल कलेक्शन बहुत बढ़ गया है, तो वो भी मैं अभी बेच रही हूँ. और उसमें मैं इंट्यूटिवली मेरा नॉलेज, थेरेप्यूटिक नॉलेज यूज़ करके क्लाइंट्स के इश्यूज के हिसाब से डिज़ाइन और एनर्जी ग्रिड्स बनाती हूँ, और वो लोगों को बहुत पसंद आए. क्या होता है, मैं जब भी हीलिंग करती हूँ तो मेरा खुद का भी हीलिंग होता रहता है. सो इवन आई एम सरप्राइज कि ये उम्र में मैं सोच रही हूँ कि नाउ आई शुड प्रोफेशनली लुक इनटू इट, गो विद देम मे बी टू दुबई, हु नोस. सो एज इज जस्ट अ नंबर. नमस्कार, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर सोनू कुमार, मैं दिल्ली से हूँ. मेरे को एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री करते हुए इस फील्ड में 10 से 12 साल हो चुके हैं. और वैसे तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ. मैं एक बहुत अच्छा एक्सीडेंट था कि मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तो साउथ में केरल से कोई आए थे, बहुत अच्छे पंडित थे, तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और मुझे बोला कि तू एक दिन बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा और आप बहुत ऊपर करेंगे. तो उन्होंने कुछ किसी टाइम मुझे उस टाइम पे आई कांट बिलीव, मुझे यकीन ही नहीं हुआ. बट उसके बाद मैंने देखा कि भाई उन्होंने कुछ टिप बताई थी कि भाई आपको एक चीज़ आपको बताते हैं, आप उसको किसी का पैर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि उसका क्या है, वो कैसा इंसान है. तो वो चीज़ मैंने फॉलो किया, लाखों लोगों पर ट्राई किया कि भाई इसको जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ. फिर बाद में एस्ट्रोलॉजी सीखी तो लगा कि हाँ उसने बिल्कुल सही बताया था और ऊपर वाले की मेहर है. कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा. बेसिकली हम लोग मुंबई वालों का दिल जीतने आए थे. हमारा जेमस्टोन और रुद्राक्ष का भी होलसेल का बिजनेस है, बट हम लोग एस्ट्रोलॉजी वास्तु का थोड़ा ज़्यादा करते हैं. और जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है एग्जैक्ट कि भाई उसकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्ट क्या लगेगा उसको, तो उसका सजेस्ट करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि महंगा स्टोन ही उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है. अपने आप को रूल रेगुलेशन करने से भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि महंगा स्टोन डालने से, रुद्राक्ष डालने से कि हम अपनी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं. ये हमेशा याद रखना है. महर्षि पराशर कहते हैं, जिन्होंने ये विद्या ज्ञान सब कुछ बनाया है, कि हर कोई आदमी किस्मत लेके पैदा होता है मगर अपने कर्मों के कारण उसे छोटा बड़ा करता है. सपोज दैट हमने किसी की कुंडली में कहा कि भाई अगले साल आपका केतु बहुत खराब है, आपको हो सकता पैर में चोट लगे, मगर क्या है कि अगर हम उसका उपाय करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, लोगों से अच्छा मेल रखते हैं, तो वो बहुत बड़ी जो आपदा हमारे ऊपर आने वाली थी तो वो छोटे से होके निकल जाती है. तो ऐसा नहीं है कि पैसे से ही कुछ खरीद के या कुछ पहन के ही हम लोग उपाय कर सकते हैं. उस चीज़ के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं अभी अपना सिस्टम, अपना दिनचर्या ठीक करके लोगों की भलाई करने के साथ भी हम लोग उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम किसी को भूखे को खाना खिलाएंगे पैसा खर्च करके तो ही हमको फायदा होगा. हम किसी गरीब की हेल्प करके भी वो भी हम लोग उससे भी क्लियर कर सकते हैं. मंदिर में जाके झाड़ू लगा के भी हम लोग अपना राहु केतु सही कर सकते हैं. अपने घर में भी झाड़ू पोछा करना चाहिए. वो अर्थ से हम लोग कनेक्ट होंगे ना उतना हमारे लिए बेटर. चलो थैंक यू सर. यहाँ है श्रीनिवास गुरुजी, जो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट है, और ये एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर्स है. हमारे साथ कई इंटरनेशनल शोज भी इन्होंने किया है. श्रीनिवास गुरुजी बताएं कि आपको एस्ट्रो वर्ल्ड में आके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे लग रहा है? सबसे पहले गुरुभ्यो नमः, ताई को धन्यवाद. पहले क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी जो है एक बहुत पवित्र काम है. लायर, डॉक्टर, कानून, ये कितना गरज है लाइफ में,
ऐसे एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। कौन आशा छोड़ दिया है लाइफ में, मैं नहीं जगेगा, मैं नहीं आगे जाएगा, मेरा लाइफ खत्म हो गया, ऐसा व्यक्ति को भरोसा दे के आगे लेके जाने वाला ही एस्ट्रोलॉजी है। जिससे हाथ से नहीं होता है उसको हम यही सजेशन देते हैं, चुप बैठे से व्यक्ति भी काम करने लगता है, मगर उसको आत्मविश्वास भरने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये हमारा खानदानी काम है, पांच पीढ़ी का काम है। अभी हम फेस रीडिंग भी करते हैं, हाथ देखते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तु देखते हैं, रमणो शास्त्र देखते हैं, कौड़े शास्त्र देखते हैं, मगर हम ऑलरेडी बिजी रहे तो भी ये ताई के कार्यक्रम में इसीलिए आते हैं कि इधर हर प्रकार के मेंटेलिटी के लोग आते हैं। थोड़े लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, थैरो कार्ड वाले क्या बोलते हैं, हाथ देखने वाले क्या बोलते हैं, तो ओनली सुन के फिर उसका डिस्कशन करके जाने से मतलब नहीं है। उसका क्या तो लाभ होना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्च करने से कोई काम नहीं बनता है। जो भरोसा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कौन ट्रस्ट करके ये बात के ऊपर भरोसा करके आगे जाते हैं ना, उनको 100% एस्ट्रोलॉजी से लाभांश होता है। वैसा बोल के पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, क्योंकि आपका प्रयत्न से आपका काम बनता है। एस्ट्रोलॉजर गुरु जी का काम क्या होता है, आपको मार्गदर्शन करना, आपको इधर से इधर जाना है, ये हम बताते हैं। जाना तो आपको ही है, हम खुद नहीं लेके जाते, मगर आप नहीं गया नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आत्मविश्वास की बहुत गरज होता है। शास्त्र कभी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ता। और ये आपके कार्यक्रम से मेरे को एक अच्छा क्या लगता है, बहुत सारे लोग को डिप्रेशन वाले में देखता है कि किसको पैसे का प्रॉब्लम है, किसको मैरिज का प्रॉब्लम है, किसको संतति नहीं हो रहा है। कौन अच्छा जॉब कर रहा है, 2 लाख सैलरी लेने वाला भी टेंशन में है, 10,000 कमाने वाला भी टेंशन में है, मगर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खर्च करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, वो खुद का मनोभावना के ऊपर डिसाइड होता है। मैं ये ताई के कार्यक्रम से एक बात बोलना चाहता है, तो कितना भी लोग मैं मिला है, मैं एक सेकंड भी फ्री नहीं था, मगर मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सबके मन में है ना क्या नहीं क्या करना है गुरु जी, आगे जाना है, मगर ये प्रयत्न से होता है। मगर 100% ये कार्यक्रम से बहुत सारा ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारा लोग इसमें मिलते हैं, और ऐसा कार्यक्रम में सब आना चाहिए। आए तो आपको पता चलेगा कि हाँ इधर एक नहीं तो एक व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और मेरे को भी बहुत सारा लोग इस कार्यक्रम से परिचय हुआ है, किधर से किधर मेरा भी थोड़ा परिचय बहुत सारा ये हो गया है। मैं तो धन्यवाद कहता है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुरु जी हमारे साथ भी इंटरनेशनल शोज में मौजूद रहे हैं, वहाँ भी यही हाल थी। ये इट इज ऑल बिकॉज इनकी जो एक्सपीरियंस है, और जो लोगों का, जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोवर्ल्ड का प्रयास यही है कि हम लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें, और हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो यही एक हमारा छोटा सा प्रयास है जो हमें मोटिवेशन देता है। और गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ में सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। आपका एक्सपीरियंस वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छे से जो चर्चे में आ रहा हूँ, ये बच्चे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस भी है, इनके बहुत अच्छी तरह से हमें साथ डील करते हैं। मुझे तो मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं। मुझे तो इनके देख के एक्टिव कितने हैं, इतने छोटे उम्र में भी उन्होंने कितना लोगों को इकट्ठा किया, और मुझे बड़ा इसका अच्छा लगता है। इनको इनके काम को इनके कार्य को सराहना करता हूँ। एस्ट्रोवर्ल्ड इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अ लॉट ऑफ पीपल जो सिमिलर थिंकिंग के हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, सारे कलेक्ट होते हैं, बहुत सारा एक्सपोजर सभी के लिए है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नॉट ओनली जो लोग आते हैं, इवन जिनके इतने स्टॉल्स हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा काम है वो कर्मा कंप्लीशन के लिए है, कॉन्शियसनेस के लिए है, और हर एक चीज़ जो एस्ट्रोवर्ल्ड में है वो उसी तरफ ले जा रही है इंसान को। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सारे जो लोग थे यहाँ पर स्टॉल्स में भी थे, और जो सारे आए उनको भी मिल के, और उनके साथ मेरी किताबें हैं वो शेयर करके, और जो भी मैं जानती हूँ, जो मैं उनको गाइडेड मेडिटेशन दे सकी, जो मैं उनको हेल्प कर सकी उनकी जर्नी में, और मेरे लिए वही मेरी चैरिटी है, वही मेरा फ्यूचर का वर्क है। तो थैंक यू सो मच एस्ट्रोवर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म।
जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका, ही इज मास्टर्स ऑफ लॉ एंड एक रिनाउंड कंसल्टेंट एंड डेवलपर हैं। इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन एंड अराउंड शिवाजी पार्क, दादर, बांद्रा, खार एरिया में। एंड सर हमारे साथ पहली बार आए हैं, सर सर आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ग्रेजिंग आवर ओकेजन सर। एंड मैं चाहूँगी सर आपको कैसा लगा, कैसे फील हुआ एस्ट्रो वर्ल्ड में आप आए हैं फर्स्ट टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिराज जी और सागर जी का बहुत धन्यवाद दे करता हूँ, क्योंकि ये तो पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। मुझे तो खैर दो तीन स्टॉल में ही जाना मुझे ये हुआ कि देसाई जी का जो ओरा दिखाने का जो था ना, हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा खुद का ओरा मैंने चेक किया तो मुझे ओरा में ऐसा लगा कि मेरा 6 मीटर से ज़्यादा भी मेरा ओरा आ रहा है। तो उनका कहना था, देसाई जी का कहना था कि इट वॉज गुड। सेकेंडली मैं नेहरा जी के वहाँ गया था, नेहरा जी पामिस्ट है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बिना देखे या बिना मेरा कुछ पूछे बिना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया जो भी मेरे फ्यूचर का है, मेरे पीछे का जो भी था, मतलब पास्ट का मेरा ये भी मेरी पास्ट लाइफ थी वो उन्होंने मेरी बताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सभी एज ग्रुप के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, आना चाहिए, लोगों ने देखना चाहिए, और लोगों को जो जो उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने उनका शेयर करना चाहिए। नहीं बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यही जैसे हमने कहा कि एस्ट्रो वर्ल्ड का एक माध्यम, एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों की ज़िंदगी में हम बदलाव लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। और थैंक यू सो मच, इतनी बड़ी मात्रा में विजिटर्स जब आते हैं ये ओकेजन को, एस्ट्रो वर्ल्ड को ग्रेस करते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आप भी यहाँ आए एंड बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे विजिटर्स के, हमारे एक्सपर्ट्स के जो ऑल अक्रॉस इंडिया से आए हैं। एंड आपकी यही जो है जो जज्बा है आपका, हमें मोटिवेशन देता है और आगे बढ़ने का। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।